और आइए एक और अच्छी खबर राजस्थान के लिए। राजस्थान का भीलवाड़ा माइनिंग क्षेत्र के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। भीलवाड़ा के कोचड़ी तहसील के चांदगढ़ में आयरन और एक्सप्लोरेशन के दौरान तांबा यानी कॉपर के भंडार मिलने के अच्छे संकेत मिले हैं। विभाग द्वारा RSMET के माध्यम से भीलवाड़ा के कोटड़ी के चांदगढ़ गांव में आयरन ओर के लिए 3500 मीटर ड्रिलिंग का कार्य करवाया जा रहा है। एक्सप्लोरेशन के शुरुआती दौर में ही आयरन ओर के साथ ही कॉपर के भंडार मिलने के संकेत मिले हैं। विभाग की ओर से 22 अगस्त को भीलवाड़ा के चांदगढ़ में आयरन ओर के 3500 मीटर ड्रिलिंग का कार्य आरंभ करवाया गया, जिसमें अधिकतम 100 मीटर गहराई के 35 बोरहोल्स कार्य प्रगतिरत हैं। ड्रिलिंग के दौरान अभी तक 3 बोरहोल्स में तांबा और आयरन इंटरसेक्ट हुआ है। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट द्वारा करवाए जा रहे ड्रिलिंग से क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक मिनरल मिलना एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इस क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की लंबाई और लगभग 250 मीटर से 300 मीटर की चौड़ाई क्षेत्र में कॉपर खनिज की संभावना है। साथ ही क्षेत्र में 500 मीटर से 700 मीटर की गहराई पर छिद्रण कार्य किए जाने से खनिज कॉपर के वृहद भंडार मिलने की पूर्ण संभावना है। देश में सर्वाधिक लगभग 54% कॉपर के भंडार राजस्थान में है। राजस्थान के बाद झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो माना जा रहा है कि भीलवाड़ा में एक बड़ा खनिज भंडार मिल सकता है, आयरन और तांबे का विपुल भंडार। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि प्रदेश में 54% कॉपर भंडार यानी राजस्थान का सबसे ज़्यादा अहम योगदान है देश भर में, और राजस्थान के बाद इसमें झारखंड आता है और फिर मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो ऐसे में भीलवाड़ा से एक और बड़ी खुशखबरी है आयरन तांबे के विपुल भंडार को लेकर। भीलवाड़ा के चांदगढ़ में जहाँ 3500 मीटर ड्रिलिंग कार्य जारी है और ड्रिलिंग के चलते यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कॉपर बरामद हो सकता है, काफ़ी बड़ा खनिज भंडार मिल सकता है। आयरन तांबे का विपुल भंडार, हालांकि अभी आपको बता दें कि कॉपर भंडार प्रदेश में अभी 54% है, देश में सबसे ज़्यादा राजस्थान का ही है ये प्रतिशत 54%, उसके बाद झारखंड और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो कॉपर के भंडार राजस्थान में ही, वहीं आयरन और तांबा का विपुल भंडार मिलने की संभावनाएँ भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के चांदगढ़ में जहाँ 3500 मीटर का ड्रिलिंग कार्य जारी है।